Hey guys, this is Swati and welcome back to my YouTube channel. How to look sexy in winter? सर्दियों में अपना लुक कैसे अच्छा बनाएं? आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ. अगर बॉयज इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहती हूँ इस वीडियो को अब आपने स्टार्ट ही किया है ना, तो आप कंप्लीट देख के ही निकलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ टिप्स ऐसी आपको मिलने वाली है जो हो सकता है आपके लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज कर दें. अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. पहला पॉइंट, सर्दियाँ पड़ रही हैं, जैसा कि मैंने अभी ब्लेजर पहना हुआ है. सबसे पहले आप अपनी मनी को सेविंग करना स्टार्ट कर दीजिए. छोटी छोटी अपनी इनकम सेव करेंगे तो आप चाहे जैसा लुक क्रिएट कर सकते हैं. आपको अपने घर वालों से छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे मांगने की जरूरत नहीं है. छोटी सी सेविंग मनी से सबसे पहले आपको जो परचेजिंग करनी है, टिप्स नंबर वन, आपको खरीदना है एक ब्लेजर या स्वेटशर्ट. दोनों में से मैं कहती हूँ दोनों है तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, वरना आपको एक तो होना ही चाहिए. अभी आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी, कि मैंने भी ब्लेजर पहना हुआ है. ब्लेजर है, आपको लुक को आपके मतलब चार चांद लगा देता है. आप कोई सा भी आउटफिट पहन लीजिए, अगर उसके ऊपर आपने ब्लेजर डाल लिया ना, तो आपका लुक क्या है, आपकी लाइफ स्टाइल है, बहुत ही डिफरेंट लगने लग जाती है. कहते हैं ना, रैपो बढ़ जाता है आपका. अभी जैसे हुडीज़ हैं, हुडीज़ कह लो या स्वेटशर्ट कह लो, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती है, और विंटर्स में तो आप भी जानते हो ये एक ऐसी चीज़ है जो फॉरएवर रहने वाली है, मतलब इनका फैशन नहीं जाता है. तो स्वेटशर्ट, हुडीज़ और आपको ब्लेजर, इन दोनों में से इन्वेस्ट करना चाहिए. अब देखो, कलर की मैं बात करूँ तो आपको सॉलिड कलर परचेज करना है. सॉलिड कलर से मतलब है आपके पास वाइट हुआ, ब्लैक हुआ, ग्रे कलर हुआ, ये तीन कलर हैं आपके पास होने ही चाहिए. लड़कियों की बात आती है तो उसमें एक रेड कलर भी आ जाता है. यार देखो, हमारे पास इतना तो पैसा है नहीं, हम इतने तो अमीर बाप के बेटे हैं नहीं है कि हम यार एक एक कलर के लिए एक एक चीज़ों को परचेज करें. तो तीन कलर ही ऐसे हैं जो आपके फॉरएवर रहने वाले हैं, हर ड्रेस पे लगभग मैच हो जाने वाला है. नेक्स्ट टिप्स है आपकी शू. आपको जूतों में इन्वेस्ट करना है. अभी जैसे आपकी ट्रेंडिंग फैशन की मैं बात करूँ तो आपके जो स्नीकर्स हैं और चेल्सी है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं. रेट तो देखो 1100 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, और नॉर्मल तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में कहीं से भी दे सकते हैं. इजी सी 400 रेट्स में आपको इजीली मिल जाते हैं. इनमें भी कलर की मैं बात करूँ तो आपके पास व्हाइट होना चाहिए, ब्लैक, ये दो तो होने ही चाहिए. ग्रे ऑप्शन में है, आप चाहो तो ले सकते हो. ये आपकी लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं, लुक को है ना बहुत सेक्सी बना सकता है, हॉट बना सकता है. या हो या कोई और भी हो, आप में जो थर्ड पर्सनैलिटी देखता है ना आपकी, वो देखता है आपके हेयर्स. जी हाँ, चाहे लड़कियाँ हो या लड़के, आपकी जो सारी सुंदरता होती है ना, वो स्टार्ट होती है आपके बालों से. सोचो, अगर आपकी शक्ल शूरत बहुत अच्छी है, आपने बहुत ड्रेसअप अच्छा पहना हुआ है, लेकिन आपके बाल है जो करो जैसे है, तो घंटा आपको कोई पसंद करेगा क्या? हर स्टाइल हर लड़के पे या हर लड़की पे शूट नहीं करती है, तो सैलून में जाके आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छे से. नेक्स्ट टिप्स में आता है आपका वॉच. जी हाँ, वॉच एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा देता है. अगर आप विंटर में बहुत हॉट दिखना चाहते हैं, पर्सनैलिटी को अच्छी बनाना चाहते हैं, तो आपको हाथों में वॉच होनी चाहिए. तो ये नहीं देखना है कि सामने वाला, अगर आपका कोई फ्रेंड है ब्रांडेड पे भग रहा है तो मुझे भी ब्रांडेड पे भगना है. नहीं, बजट के अकॉर्डिंग काम करना है. और मैं ऐसा मानती हूँ, मान लीजिए शू की मैं बात करूँ, 2000 रुपये में आप एक शू खरीद रहे हो, लेकिन 2000 में आपके तीन आ रहे हैं, तो यार बेटर है ना वहाँ पर काम चलाइए. क्योंकि मैं तो इन चीज़ों में मानती हूँ, मैं ज़्यादा हाई ब्रांडेड वगैरह इन चीज़ों पर कम ही थोड़ा सा वो करती हूँ, खरीदती हूँ, लेकिन कोई कोई चीज़ें. नेक्स्ट एंड लास्ट टिप्स की बात करते हैं, वो है आपका ग्लोइंग स्किन. देखिए, कलर कॉम्प्लेक्शन आपका चाहे जैसा भी हो, आप काले हो, गोरे हो, सांवले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क पड़ता है कि आपकी स्किन में कितना हेल्दी है, आपकी स्किन में कितना निखार है. अब निखार ऐसा नहीं है कि गोरे लोगों के ही स्किन पे ग्लो रहता है, ऐसा नहीं है. अगर आप टाइम टू टाइम अपनी स्किन केयर पे ध्यान देते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकती है, ग्लोइंग हो सकती है. अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं ना, ग्लोइंग स्किन वगैरह, तो मेरा ग्लॉस विद स्वाति दूसरा चैनल है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके इसे सब्सक्राइब कीजिए. क्योंकि यहाँ पर मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए ही कॉन्टेंट बनाती हूँ. अगर आप बॉयज़ है ना, तो ये टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए डेफिनेटली. अगर अभी तक आप चंपू बन के घूम रहे थे ना, जीरो बन के घूम रहे थे, इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आप हीरो बन जाने वाले हो. तो आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं. नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, रखी हुई का मतलब है, जाइए फॉलो कर लीजिए. और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय.